करेंगे और दो तो आपका रैंक भी होगा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, जिनको कितना भी हम समझा लें वो समझने वाले नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा कि भैंस काली है, चारा हरा है, दूध सफेद क्यों, मतलब सोचेगा कोरोना में इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं, किसको बताऊं, एक तो ये सोच के बैठेगा। तो एक किस कैटेगरी के लोग होते हैं कि भैंस काली, चारा हरा, दूध सफेद क्यों, इस प्रकार के लोग कहते हैं कि सिक्स फिगर में इनकम कैसे आ जाएगा, रैंक इनकम हम कैसे जीत जाएंगे। हम कहते हैं दोस्तों आइए 3 महीने डट करके हमारे साथ काम करिए, जूम सिस्टम के साथ भी। देखिए दोस्तों, आप जब यहाँ से 3 महीने के अंदर कंप्लीट सारी एजुकेशन ले लेंगे, जब दोस्तों आप खुद बम बन जाएंगे, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल दोस्तों हाई हो जाएगी, दोस्तों आपको इस बिजनेस में कैसे कोई रोक सकता है बीवी जनरेट करने से, कैसे रोक सकता है रैंक इनकम लेने से, कैसे दोस्तों आपको ब्रॉन्ज से सिल्वर और प्लैटिनम जाने से कोई रोक सकता है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 ऑटोमेटिक लेने से कौन रोक सकता है। तो ये सोच को हटा दीजिए, बहुत सारे लोग आप सोचिए जो मेरी अप्लाई में अरविंद सर मेरे हमेशा बात बोलते हैं कि दोस्तों जेपी जिस व्यक्ति ने अगर अपने अपलाइन पर डाउट किया ना, वो आज नहीं तो कल इस बिजनेस से आउट हो जाता है। बहुत करेक्ट बात उन्होंने मुझे बोला है कि जिन्होंने अपने अपलाइन पर डाउट किया वो आज नहीं तो कल इस सेफ शॉप से आउट हो जाएगा। ये बात समझ, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है और मैंने इस चीज को देखा है और समझा है। दोस्तों जो आपकी अपलाइन बताती है ना कभी गलत नहीं बताएगी, क्योंकि यहाँ पर हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम दोस्तों आज भी ब्लाइंड फेथ करके, और पहले भी मैंने दोस्तों अपने अपलाइन पे भरोसा किया, नो डाउट कि हमारे अपलाइंस की जो मेरे साथ कमिटमेंट रहा है, मेरे ग्रेट मेंटर का, वो चीज दोस्तों मेरा पूरा नहीं हुआ। हम जो जो सपने, क्योंकि दोस्तों मेरा सोच ही था इस बिजनेस में आने पर कि हमें 10 लाख रुपए मात्र सेफ शॉप से कमाना है और आर्मी से मेरे को 15-20 लाख रुपए मिल जाएंगे, 25 लाख रुपए बहुत है, और एक दोस्तों मतलब सेटलर बनना वाला व्यक्ति था मैं, अपने लाइफ में कोई ड्रीम्स नहीं था दोस्तों। और ड्रीम्स कहीं आया है मेरे अंदर तो दोस्तों सेफ शॉप बिजनेस में आया है, आप समझिए, नहीं तो ड्रीम्स था ही नहीं। हम सेटलर थे अपने लाइफ के कि मैं इतने साल नौकरी करूंगा, 15 साल में रिटायरमेंट करूंगा, 10 लाख रुपए सर आप मेरे को सेफ शॉप से कमवा देना, बहुत है। ये दोस्तों मेरी सोच थी। बोले जेपी तुम मेरी बात मानोगे ना तो 10 लाख रुपए दोस्तों आज हमने कम से कम 30 टाइम कमा लिया, 30 टाइम 10-10 लाख रुपए दोस्तों मेरे पास आ गए, आप जोड़ लो जो 30 × 10। तो ये पावर है दोस्तों कहीं ना कहीं आज सेफ शॉप बिजनेस का। तो बुद्धिमान हमें नहीं बनना चाहिए, टेक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी जो आपको टास्क मिलता है। दोस्तों आज आपकी 5 लोगों का टीम है, कौन ग्रुप मीटिंग करेगा, आप सीखिए ना। आपको कोई मना किया है कि आप ग्रुप मीटिंग मत करो, आप जूम लोड मत करो, अपने जूम में रजिस्ट्रेशन कर लो, फ्री में दोस्तों 40 मिनट का समय मिलता है, खुद करो। कोई आपका अपलाइंस माना करेगी, कभी कभी नहीं माना करेगी। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बस अपलाइन के कंधे पर बंदूक रख करके फायर करना हम सीख जाएंगे तो दोस्तों हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। हम जो कुछ भी है किसके वजह से दोस्तों, और आज क्या दोस्तों आपने मुझे कोई न्योता दिया था कि आप मॉर्निंग अपडेट और अपग्रेड करिए दोस्तों, लेकिन आज मेरे मॉर्निंग अपडेट और अपग्रेड करने से, आज मेरा खुद का डिसीजन लेने से दोस्तों मेरे साथ बहुत सारे परिवार का जिंदगी बदला है। इस मॉर्निंग अपडेट से बहुत सारे नो डायमंड्स बनने का विजन लिया है। जो ट्रेनिंग दोस्तों आप सुन रहे हैं अभी देख रहे हैं, ये पूरे दिन में दोस्तों मेरे चैनल से 6 बार चलता है, 5 बार चलता है दोस्तों, पर डे 1000-1200 लोग दोस्तों इस ट्रेनिंग को लेते हैं। दोस्तों कितने लोगों को आज फायदा हो रहा है, कितने लोगों का सेल्स निकल रहा है। तो आज जो कुछ भी हो दोस्तों किसके वजह से हो, अपने वजह से हो, ब्लेमिंग करना भूल जाए। शायद आज बारिश नहीं होता तो मैं कर लेता, आज मेरे घर में बच्चा छोटा नहीं होता तो मैं ये काम कर लेता, आज मेरी पढ़ाई नहीं होती तो हम ये काम कर लेता। तो ये सब बहाना बनाना, ये बहाना आप दूसरे से नहीं बना रहे हो, ये बहाना दोस्तों आप अपने आप से बता रहे हो। महंगाई और कबूतर की कहानी, बिल्ली और कबूतर को जानते हैं कहानी, महंगाई की कहानी वही है, बिल्ली कबूतर को खाएगी चाहे कबूतर कितना भी छिप के बैठ जाए। तो हम और आप दोस्तों कबूतर हैं, बिल्ली महंगाई ये खा जाएगी। आज आप मार्केट में जाओगे ना, आज मार्केट में तो दोस्तों 500 रुपए की इतनी सब्जी मिलेगा, बस 2 फ्रूट खरीद लिए ना, 1 केजी सेब, 1 केजी और फ्रूट्स खरीद लिए तो 2 केजी सेब मिलेगा 500 रुपए में, आप समझ जाओ, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए दोस्तों आज के जमाने में हमने अपने इनकम को लगातार बढ़ाने के बारे में सोचना है, और आज सिर्फ स्वप्न हमें रास्ता दे दिया है।
खुद को सही ठहराना, मैं सही हूं दूसरा गलत है। और हम बोलते हैं जिंदगी में कि दो तो आज अगर मेरे परिवार में मेरे से कोई पूछ दे, मेरी मेरे परिवार में कोई मेंबर में से कोई पूछ दे तूने घर के लिए क्या कुछ किया है, तो मैं बोला मैं कौन होता हूं करने वाला, मैं कुछ नहीं किया। क्या हम कुछ भी किए हो अपने घर में, जो भी आपने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया हो, कुछ भी हो, कभी बोल दो मैं कुछ भी नहीं किया, काम खत्म, झगड़ा खत्म। तो खुद को सही मत ठहराओ दोस्तों, दूसरे को गलती मत दिखाओ। ये बात समझ जाओ अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो। कंप्लेनिंग एटीट्यूड वाली नेचर खत्म कर दो कि मैं तो इस बिजनेस में अपने अपलाइन की वजह से आगे नहीं बढ़ा, मैं अपने डाउनलाइन की वजह से आगे नहीं बढ़ा, मुझे तो कोई लोग नहीं मिल पा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको सही समझिए। टेक सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपना जिम्मेवारी लेना सीख जाए। और हर एक इंसान, मैं क्या बोला, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, पूरा दुनिया सुधरेगी। अपने आप को सुधारिए दोस्तों, आप अपना लिस्ट बनाइए। आप लिस्ट बनाएंगे ना, एक दिन आपकी डाउनलाइन भी लिस्ट बनाएगी। आप अपना ड्रीम सेट करेंगे ना, तो आपके डाउनलाइन आपकी ड्रीम सेट करना शुरू कर जाएगी। आप खुद अपने अचीवमेंट के बारे में सोचिए। अगर टीम नहीं बात मान रही है, बार बार उसको समझा रहे हो, तो इसका क्या फायदा है? इसका फायदा यही है कि अभी आपको और नए लोगों को ढूंढने की जरूरत है, और नए लोगों के साथ दोस्तों काम करने का। ये बिजनेस दोस्तों कभी भी ना एनालिसिस करने का बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस को एनालिसिस मत करो। मैंने आज जिसको भी देखा इस बिजनेस के अंदर में, डायमंड से अबव लेवल के लीडर्स को, क्रिएट दिस बिजनेस विद क्लीन हार्ट, जो खुले दिल से दोस्तों इस बिजनेस को करते हैं ना दोस्तों, उसी के लिए बिजनेस है। सेफ शॉप यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने वालों का बिजनेस नहीं है। मैंने क्या बोला, हमारे ग्रेट मेंटर क्या बोलते हैं कि जो दोस्तों सेफ शॉप पर डाउट करेगा वो यहाँ पे एक दिन आउट हो जाएगा दोस्तों, वो स्पीच पर लंबा नहीं टिक पाएगा, एक दो रन बना करके आउट हो जाएगा। और लंबा रन बनाना है तो क्रिएट दिस बिजनेस विद क्लीन हार्ट, एकदम खुले दिल से करो। ये मत सोचो प्रोडक्ट वर्ल्ड का नंबर वन प्रोडक्ट है, पेआउट्स वर्ल्ड का नंबर वन पेआउट्स है। आप जिस डायमंड्स के साथ काम कर रहे हो वर्ल्ड का नंबर वन डायमंड है। आप जिस डायमंड दिस डाउनलाइन के साथ काम कर रहे हो वर्ल्ड का नंबर वन डाउनलाइन आपके साथ जुड़ी हुई है, नंबर वन। हमेशा सब कुछ आपके साथ नंबर वन है। आप ऐसा सोच करके बिजनेस करोगे आप आगे बढ़ोगे। दीवानेपन में कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर मैं इस बिजनेस से 6 घंटा भी अगर दूर हो जाता हूं, किसी कोई ऐसा काम अपने लाइफ में कुछ ऐसा आपके पास आ जाए, 6 घंटा भी अगर आप बिजनेस से दूर होने के बाद लगता है यार मैं सेफ शॉप का सब कुछ भूल गया, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ 6 घंटे की बात कर रहा हूँ, और आप 10 दिन सेफ शॉप से डिसकनेक्टेड हो, 10 दिन से दोस्तों आप और कोई काम कर रहे हो, फिर 11वां दिन सेफ शॉप में जुड़ोगे दोस्तों आपको फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा, आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे दोस्तों। इसलिए गर्मी में कि मैं धूप में 200 मीटर नंगे पांव, इसका मतलब यही हुआ दोस्तों, अगर आपने आज आपके पास अभी लग रहा है 1000 बीवी मेरा रैंक वन को पूरा करने में बाकी है, 1200 बीवी बाकी है दोस्तों, लग जाओ। आपके पास आज से लेकर के अगला बुधवार तक समय है, मतलब दोस्तों 10 दिन के अंदर में दोस्तों अगर आप 8 सेल नहीं निकाल सकते हो, 7 सेल नहीं निकाल सकते हो, मार्केट बूम पर है, सेफ शॉप बूम पर है दोस्तों। आपको दोस्तों 1 के साथ 2 वाला आईडी का सिस्टम बताया कि आप एक फैमिली से दोस्तों आप 3 आईडी का बिजनेस आसानी से ले सकते हो, क्योंकि एक पैन कार्ड पर एक ही आईडी हो सकता है, लेकिन एक परिवार से और उनके परिवार से अगर ट्रायंगल बिजनेस बनाना है 3 आईडी आप ले सकते, कोई बुराई नहीं है, लीगल है दोस्तों 100%। और इस टेक्निक को फॉलो करके आप बहुत बड़ा टीम बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन हमारे साथ गलती क्या होती है, सलाह किससे लें दोस्तों, बड़ा सोच का बड़ा जादू। डॉक्टर बनना है तो सलाह लेने तो दोस्तों इंजीनियर से जाओगे सफल होंगे क्या? सफल डॉक्टर से, फिलर डॉक्टर से, या सब्जी बेचने से, जरा सोचिए। सेफ शॉप में आपको टॉप जाना है, सेफ शॉप में दोस्तों आपका अपने ड्रीम सेट, कभी दोस्तों आपने अपना ड्रीम गोल बुक दोस्तों अपने अपलायन से चेक करवाया है कि मैंने दोस्तों जो गोल बुक बनाया है और मैं इस बिजनेस को करने के लिए अपना कैरियर चूज किया हूँ, क्या मेरा ड्रीम्स बुक जो बनाया है सही है, क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ? आपने लिस्ट बुक को कभी स्कैनिंग कराया है? बस एक बार ज्वाइनिंग कर गया, हम अपने फील्ड में क्या है दोस्तों, टीचर है। हम अपने बाहर के फील्ड में, आप आर्मी में नौकरी करते हैं, बाहर के फील्ड में दोस्तों LLB करके वकील हैं, आप बाहर के फील्ड में दोस्तों डॉक्टर है। हर फील्ड का डॉक्टर अलग अलग होता है। सेफ शॉप का सबसे बड़ा
एमडी और बड़ा दोस्तों सर्जन कौन हो सकता है, जो सेफ शॉप का क्राउन एम्बेसडर है, जो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है, जो क्राउन है, जो मरकरी है, जो वीनस है, जो ट्रिपल डायमंड है, जो डबल डायमंड है, जो डायमंड है, उससे नीचे दोस्तों जो ओपल है, जो रूबी है, जो दोस्तों एमराल्ड है, एक एमराल्ड ही तो दोस्तों आपके एमराल्ड बनने का रास्ता बताएगा, एक पर्ल ही तो दोस्तों आपको पर्ल बनने का रास्ता बताएगा, क्योंकि उसने 500 की टीम बनाने में उससे क्या क्या गलतियां हुआ है उससे अच्छा भला कौन जानता है। और आप पर्ल बनना है, आप टोपाज बनना है, तो आप उसके बारे में दोस्तों किसी और से पूछते हो, कौन बताएगा दोस्तों बाहर का दुनिया में। तो करेक्ट इंफॉर्मेशन और सही सलाह दोस्तों यहाँ पर आपकी अप्लाई ही दोस्तों आपको दे सकती है। इसलिए दोस्तों इस बिजनेस में ध्यान रखें, समझ आ रही मेरे बात मेरे फ्रेंड्स। तो जब तक आपने सलाह सही नहीं ले रहे हैं, आपका मेंटरशिप सही नहीं है, तो दोस्तों आप कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ोगे। ईयर फॉर सक्सेस। अब आप सफल कितने दिन में होना चाहते हैं? सेफ शॉप, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, बोलते हैं सर मुझे सेफ शॉप में आगे बढ़ना है। हम भी बोलते हैं कि हम लोग सेफ शॉप में आगे बढ़ने के लिए आए हैं। उसका टाइम निर्धारित है तो दुनिया बहुत छोटी है, जो भी दुनिया में आए हो ना पूरा एंजॉय करके मरना है सर। मरने के दिन आत्मा को दुख नहीं होना चाहिए कि मैंने इसके शरीर में आया था, इसने दोस्तों हमें गलत देखा था। मैं तो बोलता हूं जिस दिन आपकी लाशें जलाई जाएगी तो आत्मा नीम के पेड़ पर बैठ करके हंसेगा, तो इसने मेरे को बहुत दुख दिया था। अगर मानव जीवन में दोस्तों जन्म ले लिए हो तो दोस्तों दिल लगा करके और अपनी खुट्टा ठोक करके, मैंने जो बोला ना दमदारी के साथ काम कर दो। अगर रोग है तो आपका प्लाइन आपके घर में पैसा दे देगी, आपके रोग है तो आपको पड़ोसी आपके घर में पैसा दे देगी। आज बारिश में अगर आपका छत चूरा होगा तो आपको पैसा दे देगी। आज अगर आपको बारिश में आपके बाइक में पेट्रोल नहीं तो कोई दूसरा भर के देगा, तो कोई भरेगा तो सेल्फ आप ही करोगे। आपके पर्स में पैसे मोटे होंगे तो आप ही की वजह से होंगे, आपके बैंक बैलेंस ज्यादा होगा तो आपकी वजह से होगा। दोस्तों एक साल या 40 साल ऑप्शन आपका पास है कि मैं 40 साल का नौकरी करने के बाद एक छोटा सा घर बनाऊंगा और अपने बच्चों का अच्छा एजुकेशन दूंगा, या सेफ शॉप में दोस्तों 1 से 2 साल दमदारी से काम कर लो, सिस्टम जनरेट कर लो, 50 शहरों में अपने बिजनेस को उड़ा के लेके चला जाऊं। देखो पाइपलाइन की तरह दोस्तों पैसा आपके घर पे आना शुरू हो जाएगा। शहर बढ़ा लूं, एक शहर में आज बिजनेस कर रहा हूं, इस शहर में 100-150 का टीम है तो कल दोस्तों दूसरा शहर में यहां से खड़ा कर लूं, कल को दोस्तों तीसरा शहर यहां से बढ़ा लूं, चौथा शहर बढ़ा लूं, धीरे धीरे इंडिया का बहुत सारे शहरों में बिजनेस कर लो। आपने सोचा है? अपने आउटलेट बढ़ा ही नहीं रहे हो, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। आउटलेट बढ़ाओ दोस्तों। अगर आप अहमदाबाद में बिजनेस कर रहे हो तो दोस्तों सूरत तक अपना बिजनेस पहुंचाओ, जामनगर तक पहुंचाओ। अगर दोस्तों आप कोलकाता में बिजनेस कर रहे हो तो कोलकाता के नियर डियर कम से कम 10 शहरों में अपना बिजनेस पहुंचाओ। और आप गुवाहाटी में बिजनेस कर रहे हो तो गुवाहाटी के नजदीक में जितने छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है वहां तक अपने बिजनेस को पहुंचाओ। और आप भुवनेश्वर में बिजनेस कर रहे हो तो वहां के लोकल कम से कम 8 से 10 शहरों में अपने बिजनेस को धीरे धीरे करके ले जाओ, पर लेवल तक, टोपाज लेवल तक। आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट करेगी, अपलाइन आकर के वहां पर फंक्शन करेगी, 100% आपको सपोर्ट करेगी दोस्तों बिजनेस को आगे बढ़ाने में। और आप पटना में काम कर रहे हो तो पटना के नियर डियर में आपका कम से कम 5 डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लो। गया है आपके पास बहुत सुंदर जगह, आपके पास में बेगूसराय है, मोतिहारी है, आपको आरा डिस्ट्रिक्ट है, आपके पास सासाराम है, डिहरी है, ऐसे करके किसी भी एक प्लेटफॉर्म के पास, वहां की सराउंडिंग में उस सर्कल के आसपास के दोस्तों जितने भी सिटी हैं उस सिटी में धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को ले जाओ। वहां पर डेवलप करो, वहां पर लीडर डेवलप करो, वहां 2 आदमी को प्लानर ट्रेनर बना दो कि बार बार दोस्तों आपको जाने की जरूरत ना पड़े, वो बार बार दोस्तों अपना बिजनेस आगे उड़ाएगा। दोस्तों आपने इसके ऊपर में कभी प्लानिंग किया है? आउटलेट एक डोमिनेंट पिज्जा आज आपके घर में दोस्तों एक ऑर्डर पे आ रहा है। क्या शुरू में आपके शहर में आउटलेट था क्या डोमिनेंस का, पिज्जा का आउटलेट था? लेकिन आज पूरी वर्ल्ड में डोमिनेंस पिज्जा के आउटलेट बन गया। आप अपनी आउटलेट बढ़ाओ दोस्तों और आपका बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करो। आपने अपना लीडर पैदा करो, अपने टीम में प्लानर तैयार करो, अपने टीम में ट्रेनर तैयार करो। 40 साल के इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, 1 से 2 सालों में मेहनत करो। आपको डेवलप करने पर दोस्तों मेहनत करो, नहीं कर रहे हैं। कितने आदमी को दोस्तों आपने बैठा करके फोल्डर से प्लान लेना सिखाया, मेरे को बात बताइए, किसी को सिखाया आपने? नहीं सिखाया तो आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा? 4 आदमी को भी प्लानर आप बनाए होते तो आपका बिजनेस, अगर वो भी 2-2 का प्लानर बना दे, हर आदमी यही ठान ले, यही मल्टीप्लाई करे कि हमने इस बिजनेस को 2 आदमी को सिखाना है,
आप भूल जाओ ना दोस्तों, आपका मैचिंग इनकम तो धड़ाधड़ा जाएगा। हाँ, और सीखने के बाद अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है बंदा, प्लानर भी बन गया, ट्रेनर, ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जो इस बिजनेस को सीख भी जाएंगे, सीखने के बाद काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों मुर्गी का वो अंडा है, एक देखे आपने दुकान पे एक अंडा मिलता है मुर्गी के अंडे की तरह, जो लोग अपने घर में सजा के रखते हैं, जो बच्चा नहीं पैदा करेगा, वो पत्थर वाला अंडा है। तो कुछ लोग ऐसे भी आपके टीम में मिलेंगे जो सीखने के बाद भी इस बिजनेस को नहीं करेंगे। तो आप सोचोगे कि सर फिर मैं क्या करूंगा, हमारा काम है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को एक मास्टर अपने स्कूल में पढ़ाना बंद कर देता है क्या, आप बताओ? चाहे उसका स्कूल के पढ़ करके बच्चा जो है भैंस चराने जाए, चाहे दोस्तों उसको स्कूल से बच्चा पढ़ करके दोस्तों डॉक्टर बन जाए, चाहे आईएएस बन जाए, वो क्या अपना पढ़ाई पढ़ाना बंद कर देगा? आपका भी यही काम करना है कि आप अपने टीम में जो लोग भी ज्वाइनिंग करते हैं उनको दोस्तों आपको लगातार अपना बिजनेस को सिखाते रहना है। जब आप सिखाते रहोगे आपका एक साल में दोस्तों कैसे नहीं आप यहाँ पर आगे बढ़ जाओगे, दो साल में कैसे नहीं आगे बढ़ जाओगे। बारिश हो रही है आज, मान लो आपके शहर में आप कहीं नहीं जा रहे हो, जूम मीटिंग खोला, छह बंदे को जोड़ लिया, बोला आजा भाई छह लोग, खोल भाई अपना फोल्डर वहीं पे, चलो तुम अपना तीन स्लाइड के ऊपर में पढ़ो, कैसे एफआईएम करते हैं हम, हमको आप टेस्ट दो। एक आदमी का टेस्ट लिया, चार आदमी सुने, बहुत बोला वेरी गुड, आपका एक कमी है, कमी बता दो। ये चीज पर हम लर्निंग प्रोसेस पर ध्यान नहीं, बार बार हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नो लर्निंग नो अर्निंग, नो अर्निंग नो लर्निंग नो चेक, क्यों बोलते हैं? आप सीखिए सिर्फ, ये बहुत बड़ा बाजार है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग एक छोटा मोटा एजुकेशन नहीं है, आप देख रहे हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए दोस्तों दो दो लाख डेढ़ डेढ़ लाख का फी, और दोस्तों सारी चीज दोस्तों आज आपको जूम के माध्यम से दोस्तों आज मिल रहा है, और अभी भी आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों फ्री का चीज की वैल्यू नहीं होता है। आपको बता दूं बहुत सारे लीडर्स इस ट्रेनिंग करने के लिए पर डे का 100 रुपए लेते हैं, 50 रुपए लेते हैं, और उतना ही आदमी को ट्रेनिंग में ऐड करते हैं दोस्तों। और जो इतनी वीआईपी ट्रेनिंग्स आपको मेरे ग्रेट लीडर के माध्यम से, अरविंद सर जी ने मुझे बोला था कि जेपी नहीं अभी आपको टीम को पालना है, उन्होंने बोला था कि ट्रेनिंग फ्री में नहीं मिलेगा, जूम पर भी पैसा लगेगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा ट्रेनिंग लेने के लिए। इसलिए दोस्तों आप सीख लो, अभी अगर आप नहीं सीखोगे हम लोग दोस्तों अगले साल से आपका फी लगा देंगे। उतना ही आदमी इसमें ऐड कर पाएगा, बाकी लोग नहीं कर पाओगे ऐड, 100-100 आदमी के बैच बना देंगे हम, 12-15 बैच, तो उससे आपका बिजनेस होगा। तो दोस्तों इस पे हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं, टाइम टरकार है तो कैसे बिजनेस होगा। मैं बार बार क्या बोलता हूं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता है, मेंटर की बात मानना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए। जैसे महाभारत में पांडव मिलकर के पूरे कौरवों को नाश कर दिए थे, खत्म कर दिए थे दोस्तों, तो ये आपको बिना गुरु का कैसे ज्ञान हो सकता है दोस्तों? आप कितना भी कुछ कर लीजिए नहीं हो सकता है। हम क्यों बोलते हैं महागुरु जी? क्योंकि मेरे प्रोफेशनल गुरु हैं अरविंद सर, हमें दोस्तों इनकी बातों को मान करके दोस्तों मेरा जिंदगी बदला है, मेरा परिवार का जिंदगी बदला है दोस्तों। एक आदमी के घर में कभी दोस्तों एक पंखा नहीं होता था, उसके घर में दोस्तों आज 6-6 AC लगा हुआ है, ये किसका देन है दोस्तों? हमारे ग्रेट पेंटर का देन है। तो हमारे जीवन में अगर कोई मेरे माँ बाप के बाद मिला है तो मेरे ग्रेट मेंटर मिले हैं, जिनको मैंने फॉलो करके दोस्तों आज हैरियर गाड़ी चलाता हूँ, जिनको फॉलो करके दोस्तों मैं आज करोड़ों का घर में रहता हूँ, जिनको फॉलो करके दोस्तों मैं डायमंड का रिंग अंगूठी पहनता हूँ, जिनको फॉलो करके दोस्तों मैं अपने गले में मोटे सोने का चैन पहनता हूँ, जिनको फॉलो करके दोस्तों आज 32-32 सूट पहनता हूँ। तो दोस्तों अपने उस मेंटर को नहीं मानोगे तो दोस्तों आपका बिजनेस कैसे आगे बढ़ जाएगा? तो जीवन के अंदर में मैंने अपने मेंटर को ही फॉलो किया, सिंगल माइंड अप्रोच होकर के दोस्तों मैंने अपनी बातें मानी है। जब भी बोलते हैं दोस्तों फंक्शन में आओ, दिशा में, सर जी मेरे पास तो पैसा नहीं है। दोस्तों मैं पहले बार गया था दिशा वर्कशॉप करने के लिए तो दोस्तों टोपाज बनने पर गया था, उससे पहले हमें भी समय नहीं था, हमें भी नहीं पता था ये सब क्या होता है। हवा में तो बन गए थे दोस्तों टोपाज, फौज में काम करके डीडी छाप करके बन गए थे, उस टाइम इतना स्किल नहीं था, हम दोस्तों लोगों को डेवलप भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दोस्तों मैं जब दिशा ट्रेनिंग में गया, जब 6 लोगों को सांस में लेकर गया, तो मैंने उस दिन ही कमिटमेंट कर दिया था कि सर जी एक समय ऐसा आएगा कि सर आपको मेरे ग्रुप को ही आपको दिशा ट्रेनिंग करना होगा। और आज दोस्तों हमारे ग्रुप की दिशा ट्रेनिंग होती है, एक बार होटल के अंदर इन होने के बाद हम लोग दोस्तों 1-1 महीने आज होटलों में रह करके
तो लगातार बैचेज करते हैं, ये पावर मिला है वर्षों से। तो दोस्तों आपको फंक्शन मैं कैसे 5-7 हजार रुपए खर्च, तो आप अपने स्किल पर बाहर की दुनिया में एक प्यून बनने के लिए लोग दोस्तों लाखों रुपए खर्च कर दे रहे हैं। तो मुझे एक सरकारी चपरासी की नौकरी मिल जाए और सेफ शॉप में दोस्तों लाखों कमाने की रास्ता बताया जा रहा है और ईमानदारी से पैसा कमाना है, भारत सरकार को TDS कटने के बाद आपके अकाउंट में पैसा आता है तो आपको समझ में नहीं आ रहा। तो नहीं जब आएगा हमारे समझ में तो हम बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस को कैसे लेके जाएंगे, कैसे लेके जाओगे दोस्तों? ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनिए। दोहरे मन से कभी काम होता है, डिसाइड ओनली वन प्लेस, सेफ शॉप भी कर लूं, ए भी कर लूं, वो भी कर लूं, अरे एक पार्टिकुलर काम पर फोकस करो ना दोस्तों। अगर आप नौकरी करते हो या पार्ट टाइम, अगर पार्ट टाइम सेफ शॉप कर रहे हैं, एक बार आपके जीवन में डायरेक्ट सेलिंग सेफ शॉप आ गया तो 20 कंपनी के प्लान देखना जरूरी है। तो जब मैंने आपको एक बार बता दिया कि भारत की नंबर वन कंपनी है, भारत का नंबर वन प्लान है, सबसे बड़ा पे आउट है, सबसे दमदार कंपनी है, इस कोविड के अंदर में भारत की बहुत सारी ऐसी कंपनियां अपने स्टाफ को पेमेंट नहीं दी, बांस गई, वहां क्या करियर लगाओगे? जो 20 साल की पुरानी बरगद का पेड़ है, जिस पेड़ को कोई उखाड़ नहीं सकता है। आप अभी भी जाकर के देखिएगा, कोलकाता के अंदर दोस्तों एक बोटेनिकल गार्डन है जिसके अंदर में एक बरगद का पेड़ है, उसमें 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ है कि जो इसका जड़ बता देगा उसको दोस्तों 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हाँ, तो कोई ने बोटेनिकल गार्डन के अंदर कोई ने दोस्तों उस बरगद की जड़ को नहीं बता पाया। तो सेफ शॉप के अंदर इतनी मोटे बरगद का जड़ है, आपको पता ही नहीं चलेगा इसका जड़। आज सेफ शॉप के लीडर इतने दमदार हैं, सेफ शॉप के डायरेक्टर इतने दमदार हैं दोस्तों, कंपनी कहीं हिलने वाली नहीं है। इसको कोई तूफान बारिश, इतनी लीगल तरीके से काम करती है, भारत सरकार की हर एक बातों को मान करके काम करती है। जैसे जैसे सरकार बोलती है उस तरह से कंपनी अपने उसके गाइडलाइंस पर काम करती है। तो यहाँ तो दोस्तों आज आपका पेंशन फिक्स है दोस्तों, रॉयल्टी इनकम फिक्स है। आप दमदारी से काम करिए, सिर्फ सब आपको पैसा देने के दोस्तों 100% रेडी बैठी हुई है। हर वीक उनके स्टाफ 200-200 पैसा देने के लिए आपके पास में बैठे हुए हैं दोस्तों। अरे सोचोगे ना दोस्तों, प्लान दिखाने कहीं गए, अंडरस्टैंडिंग नहीं है और दूसरे को प्लान देख करके आ गए। जैसे एक भैंस को दवा पिलाने डॉक्टर गया था और खुद ही दवा पी करके आ गया था दोस्तों, क्योंकि पाइपलाइन से उसके मुंह में दवा दे रहा था। तो वो काम दोस्तों आप ना करें, खुद को सेफ शॉप बिजनेस की पावर पता चल गया है फिर क्यों डर लगता है दोस्तों? आपको खुद जाओ ना दोस्तों फील्ड में, लगातार प्लान पर फोकस करो ना दोस्तों। अगर मोमेंटम नहीं तो दोस्तों आपका ग्रुप नहीं, मैं आपको बता दिया, उसी के ग्रुप में मोमेंटम, जिसके ग्रुप में मोमेंटम है, जिसके ग्रुप में ग्रुप मीटिंग प्लान फॉलोअप ट्रेनिंग लगातार चल रहे हैं, छोटे छोटे लोग ग्रुप मीटिंग चल रहे हैं, उसके टीम में दोस्तों लगातार चेक बन रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं जूम प्लान, जूम ट्रेनिंग, जूम ग्रुप मीटिंग आर द की ऑफ सक्सेस, आपकी सफलता का यही चाबी है दोस्तों। ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ये सब लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करो। जिम डॉर्मन साहब हैं, बिल ब्रिट साहब और पति हैं, रॉबर्ट कियोसाकी हैं, रिच डैड पियर डॉट का लेखक, ये सब लोग दोस्तों वर्ल्ड बैंक के VIP के VVIP के फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, ये सब लोग दोस्तों इसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा, मिरर बदलने से दोस्तों कुछ भी नहीं होता, वैसे ही कंपनी बदलने से किसी को सक्सेस नहीं मिला है। फर्स्ट चेंज योर सेल्फ, चेंज द वैल्यू, अपने आप को चेंज करो दोस्तों, अपने आप को चेंज करो। याद रखो दोस्तों, जॉब नहीं है, स्मॉल इंडस्ट्री में फ्यूचर नहीं है। व्हाट विल वी डू आवर यूथ, हमारे नौजवान क्या करेंगे, पढ़कर क्या करेंगे? क्लर्कियल जॉब फिनिश ड्यू टू द कंप्यूटर एंड ओनली सॉल्यूशन ऑफ द ऑनलाइन सेक्टर ऑफ बिजनेस, दोस्तों इसी में लोग को आना पड़ेगा, इसके अलावा दोस्तों कोई रास्ता नहीं है। बाहर की दुनिया में लोग क्या बोलते हैं, एक कहावत है, जितनी लंबी चादर उतनी पैर पसारो, बट हियर वी से दैट, हम लोग क्या बोलते हैं, चादर ही बदल डालो दोस्तों, जितनी मर्जी उतना लंबा पसारो, उस तरह से प्लानिंग करो। सेफ शॉप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, फिक्स तो है नहीं कि आप 10 साल भी नौकरी करोगे तो आपका DA बढ़ेगा, दोस्तों 2 साल हो गया। भारत में जिन लोगों ने सरकारी नौकरी करी थी किसी का 2 साल से पेमेंट वहीं पर रुका हुआ है, अब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा भगवान जाने, लेकिन आज सेफ शॉप में तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए अगर आज चेंज योर मॉरल वैल्यू, अपने मॉरल वैल्यू को चेंज करो, अपने दोस्तों जीवन में आगे बढ़ जाओगे।